नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता। पंजाब के लुधियाना में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। लुधियाना स्थित एक फैक्ट्री में गैस का रिसाव लोगों की जान पर भारी पड़ गया। इस हादसे में अब तक कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग बेहोश हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही डॉक्टरों की एक टीम और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और राहत के काम में जुट गई है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ग्यासपुरा इलाके में फैक्ट्री में गैस रिसाव की घटना बेहद दुखद है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, हर संभव मदद की जा रही है। बाकी जो भी जानकारी होगी वो जल्द ही आप सभी तक पहुंचाई जाएगी। गैस रिसाव का यह मामला लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात की गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया है। इस हादसे में बेहोश हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने फिलहाल इलाके को सील कर दिया है और आगे की जाँच भी शुरू कर दी है। जहरीली गैस के रिसाव से अब तक जिन 11 की शव बाहर निकाले गए हैं, उनमें से 3 के शव नीले पड़ गए हैं। मरने वालों में 2 बच्चे और 5 महिलाएं भी शामिल है। बताया जा रहा है कि गैस इतना जहरीला है कि सांस लेना भी मुश्किल है। एक चश्मदीद ने बताया कि उसके परिवार के भी 5 लोग फैक्ट्री में फंसे हुए हैं, जिनको बेहोश होने की खबर मिली है। घटनास्थल पर अपने परिवार के सदस्यों की तलाश कर रही एक महिला ने बताया है कि वह कारखाने के पास ही रहती है और वह अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रही है जो फैक्ट्री में फंसे हुए हैं। इस खबर से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, स्थिति को काबू करने की लगातार कोशिश की जा रही है। बहरहाल अभी की खबरों में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।